कोरोना की दूसरी लहर लगातार देश में अपना कहर बरपा रही है। कोरोना ने हजारों लोगों की जिंदगी को समाप्त कर दिया है। इस महामारी में हिमाचल प्रदेश में भी मौतों के आंकड़े में वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों से जहां हर कोई सहम उठा है, लेकिन इस महामारी में समाज में रिश्तों की अहमियत को भी बता दिया है। कोरोना संक्रमण के इस काल का ग्रास बन चुके लोगों के अंतिम संस्कार को अपनों ने भी कई जगह हाथ पीछे खींच लिए। हिमाचल प्रदेश में भोरंज के हैप्पी क्लब कोरोना से हुई लोगों की मौत का अंतिम संस्कार कर मिसाल पेश कर रहा है। जिला प्रशासन भी हैप्पी क्लब के कोरोना अंतिम संस्कार में किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से हर कोई व्यक्ति सहम उठा है, जिसके चलते लोग अपने अपनों का साथ छोड़ने पर मजबूर हैं। ऐसे में हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल में हैप्पी क्लब लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहा है। क्लब के प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि हैप्पी क्लब लगभग 40 से 50 कोरोना पॉजिटिव लोगों का अंतिम संस्कार कर चुका है। इस काम में क्लब के सदस्य भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर के ही नहीं बल्कि उन्होंने मंडी जिला में भी लोगों का अंतिम संस्कार करवाया है। नरेश कुमार ज्योति, प्रधान हैप्पी क्लब दमरोल। नरेश जी, बताएंगे आपने जो कोविड महामारी में अपना जो कोविड से मौत हो रही है उनका क्रिमिनेशन का सिलसिला शुरू किया, क्या पर्पज है इसके पीछे? सर, समाज सेवा, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। सर, हमने पिछले साल लॉकडाउन में 22 टन के करीब राशन बांटा, जिसमें कुछ बाहरी मजदूर थे, कुछ लोकल हमारे यहाँ गरीब तबका था उनको बांटा। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में 6 डेथें हुई कोरोना पॉजिटिव, 6 लोगों का हमने अंतिम संस्कार किया। उस टाइम लोग जो थे इस बीमारी से बहुत डर रहे थे। हैप्पी क्लब के कितने मेंबर हैं इसके आपके साथ? सर, हमारे साथ 65 मेंबर हैं इस टाइम और एक्टिव जो है हम 20 मेंबर हैं। अब तक लगभग कितने लोगों की क्रिमिनेशन करवा चुके हैं? सर, कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को मिलाकर टोटल 30 लोग, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट मंडी के भी एक था, जिला मंडी का सर का घाट डिवीजन का था और बदार गाँव में थे। इसमें बात करें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कितना आपको सहयोग? वो संपूर्ण सब साथ में रहे जी, भोरंज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों ने पूरा साथ दिया है। किसी भी चीज की हमें दिक्कत नहीं आने दी, जैसे सैनिटाइजर की कमी है, पीपी किटें हैं और किसी भी मतलब हमें जरूरत थी इसमें, इसमें पर हमारी जरूरतें पूरी करते रहे। तो मैं धन्यवाद दी रहूंगा इनका, एडमिनिस्ट्रेशन भोरंज ब्लॉक का, कि इन्होंने हमारा समय समय पर साथ दिया। आपसे मेरा एक सवाल है कि आज की जो कोविड महामारी है इसमें हर कोई पीछे हट रहा, अपनों से अपनों का साथ छूट रहा है, आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या मन में होता है जब जाते हैं? सर, जब मन में एक खुशी सी होती है, जब लोग पीछे बीमारी के जलते डर रहे हैं तो लोगों के डर को निकालने के लिए हम लोग जो है जुटे हुए हैं। हमें बीमारी का जो है डट कर मुकाबला करना है, डर कर नहीं। हमें अपना मास्क, सैनिटाइज, जो भी सरकार गाइडलाइन दे रही है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। इस दौरान आपको डर नहीं लगा? नहीं सर, डर नहीं लगा, भगवान की मर्जी है, भगवान ने मेरा मन जो है पक्का कर दिया है और इस कार्य में मेरे बच्चे भी मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा बेटा है 9 साल का, वो भी साथ में जा रहा है, अस्थियां धोने का काम कर रहा हो, और बेटी जो है, बेटी भी जिद कर रही थी कि मैंने भी अस्थियां जलाने के लिए जाना है। तो मैंने मना किया कि हमारे समाज में औरतें नहीं जाती है, तो इसको सैनिटाइजर का काम संभाल दिया है हमने। ये जो हमारा समाज जो है अब एक दूसरे का साथ देने से पिछड़ रहा है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? सर, यही संदेश है कि आपस में भाईचारा बना के रखें, बीमारी से जो है डर के नहीं, डट कर लड़कर जो बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। हैप्पी क्लब के सदस्य दिनेश कुमार ने बताया कि बीते वर्ष कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को क्लब द्वारा उनके घर पर राशन भी मुहैया करवाया गया था। वहीं अब कोरोना से जिन मरीजों का देहांत हुआ है उनका क्लब द्वारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा सर दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, हैप्पी क्लब द्वारा जो है कोविड-19 में अच्छा काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या एक्टिविटी है आपकी? सर, हैप्पी क्लब द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत पिछले वर्ष जो राशन भी वितरित किया गया गरीबों को, जो भी राशन के लिए मतलब ये थे, पब्लिक थी, उनको राशन वितरित किया। और अब जो इस वक्त के दौरान हैप्पी क्लब द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत डेथ हुई जो है उनका दाह संस्कार, और दाह संस्कार हिंदी
रीति रिवाजों के अनुसार किया जा रहा है और उसके विदर्शन कर प्राप्त उसकी अस्थियां भी मतलब धो धुल करके जो मतलब उनको परिवारजनों को सौंप दे रहे थे। हैप्पी क्लब द्वारा जो है बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, बड़ा सराहनीय कार्य है। सर आज देखा जा रहा है समाज में कि जो कोरोना से डेथ हो रही है, लोग अपनों का अपना साथ छोड़ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या संदेश रहेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लोग जो है मतलब अपने मतलब घर के फैमिली मेंबर भी मतलब उस डेड बॉडी के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं, जबकि हैप्पी क्लब धनोर जो है वो बिल्कुल इससे बिल्कुल निडर हो के और कोविड नियमों का की पालना करते हुए जो मतलब उस डेड बॉडी का दाह संस्कार कर रही है। समाज को क्या संदेश रहेगा आपका? समाज को ये संदेश है कि हमें जो भी जो कोविड 19 की अनुपालना है उनके अंतर्गत जो है जो कोई भी मतलब एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको मतलब ये उसका दाह संस्कार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। क्लब के प्रधान नरेश कुमार की बेटी भी इस महामारी में गांव में जाकर सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाले हुए है। उन्होंने कहा कि वे भी अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहती है, लेकिन हिंदू धर्म में महिलाएं शमशान घाट पर नहीं जा सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। जानवी, आपके पापा जो हैप्पी क्लब धमरोड़ है उसके तहत एक जो कोविड के तहत डेथ हो रही है उनके लिए क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हैं उनके साथ? सैनिटाइजेशन के लिए जा रही हैं और बस तो उनके साथ ऐसे ही काम कर रही हैं और मेरा मन भी करता है वहाँ उनके साथ वहाँ शमशान घाट जाने का, लेकिन वो बाहर मतलब हिंदू संस्कृति के लिए नहीं है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप, जैसे आप कोविड महामारी चली है, कैसे लोग बचें, क्या बचाव करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? उनको मतलब गवर्नमेंट की सारी बातें माननी चाहिए, सैनिटाइजर और मास्क लगा के रखना है, ऐसे सारे। भोरंज के तहसीलदार अनिल मनकोटिया ने हैप्पी क्लब की इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्लब की प्रशासन द्वारा पूरी मदद भी करवाई जा रही है। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल मनकोटिया है, मैं तहसीलदार भोरंज हूँ। सर एक हैप्पी क्लब है जो भोरंज में जो है कोविड 19 जो मरीज हैं उनकी सेवा कर रहा है, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके क्रिमिनेशन में भरपूर सहयोग कर रहा है। हालांकि कुछ लोग जो हैं आ नहीं रहे हैं, आगे क्या कहेंगे आप? कोरोना डेथ में महामारी के दौरान ये देखने में आया था कि शुरू में लोग बहुत डरे हुए थे कि एक प्रकार से इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, तो जब भी कोई कोरोना डेथ होती थी तो लोग बिल्कुल भी सामने नहीं आते थे, तो उसमें प्रशासन को ही पंचायत के सहयोग से सारा कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे कि हैप्पी क्लब धमरोड़ है, इसके जो स्वयंसेवी हैं वो सामने आए और उन्होंने हमारी पंचायतों का भरपूर सहयोग किया, जो भी दाह संस्कार से रिलेटेड कार्य थे उनमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर प्रशासन की क्या मदद इस संस्था को दी जा रही है? प्रशासन की तरफ से जब भी कोई कोरोना डेथ होती है तो प्रशासन की तरफ से 4 पीपी किट मुहैया करवाए जाते हैं, इसके साथ ही जो हाइपो सैनिटाइजेशन के लिए चाहिए, पंप चाहिए सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए और ग्लव्स चाहिए, वो सारे हैप्पी क्लब धमरोड़ को पंचायत के माध्यम से भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी प्रोवाइड कर रहा है।